हेलो, नमस्ते सभी को। आज जो हम लोग टॉपिक आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लो ऑफ एनर्जी। आवर एनवायरनमेंट का ही पार्ट है हमारा टॉपिक जो है, तो हम लोग इसको देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं कि मैंने आप लोग दिया। थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे उसको। स्टूडेंट्स, आप लोग को ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी जहाँ पे मैंने टॉपिक जो डाला है, दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। हम लोग कहते हैं ना कि एनर्जी कितना कैसे फ्लो होता है ना। एक फूड चेन अगर आप लेते हो, आपके दिमाग में आता है फूड चेन, तो किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है? क्या वो पूरा पूरा एनर्जी ट्रांसफर जाता है, मतलब फुल, या फिर कुछ परसेंटेज? लेट अस सी। बहुत ही, इससे मैंने कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बच्चों, फ्लो ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गो थ्रू माय नोट्स। एनर्जी फ्रॉम द सन एंटर्स द लिविंग वर्ल्ड थ्रू प्रोड्यूसर्स एंड पासिस ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड एनर्जी और केमिकल एनर्जी। सो द थिंग इज दैट यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि जो भी खाना बनाते हैं प्रोड्यूसर्स, द प्रोसेस दे डू दैट इज फोटोसिंथेसिस, दे कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी। दैट्स वॉट आई हैव रिटन है, फूड एनर्जी और केमिकल एनर्जी। ओके, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे अब्सॉर्ब फ्रॉम द सन दैट इज अबाउट 1% ऑफ सनलाइट। इन सम ऑफ द बुक इट इज रिटन 2% ऑल्सो। सो 1 to 2% ऑफ एनर्जी सनलाइट, सनलाइट एनर्जी प्लांट्स अब्सॉर्ब एंड दे कन्वर्ट इट इंटू केमिकल एनर्जी। ओके, देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट सी, दस अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू बायोटिक कंपोनेंट्स। बस वी नो दैट ना, सन क्या है? अबायोटिक है। और बायोटिक कंपोनेंट क्या है? प्लांट्स हैं। एंड देन टू फिजिकल एनवायरमेंट एंड देन मैकेनिज्म ऑफ फ्लो इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी और एनर्जी फ्लो। दैट मीन्स आप इसको समझिए बेटा, पॉइंट को बायोटिक कंपोनेंट्स तक आया, फिर वापस यहाँ पे जब डिकम्पोजर्स लगेंगे ना, डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज करेंगे तो फिर से वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ फ्लो जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस से चलते रहता है। दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी और एनर्जी फ्लो। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग को वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे इसको ब्लैंक करके पूछ देते हैं हम लोग, फिल द ब्लैंक्स करके। द डैश इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज ट्रैप्ड बाय डैश। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर्स। प्लीज आप लोग ख्याल रखेंगे। सो लेट अस प्रोसीड टू द टॉपिक दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, 10% लॉ, इजंट इट? इट वॉज प्रपोज बाय लिंडमैन। देखो ये जो नाम है ना, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आप एक कुछ आपको एक जानना चाहिए कि साइंटिस्ट का नाम, कि इन्होंने इसको प्रपोज किया था और इन्होंने कहा क्या था। ओनली 10% एनर्जी ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल, लोअर ट्रॉफिक लेवल मीन्स प्रोड्यूसर लेवल, कैन बी कैप्चर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल मीन्स प्रोड्यूसर्स के बाद क्या आएगा? प्रोड्यूसर्स के बाद आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, यही चीज है नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। दिस इज नोन एज 10% लॉ। ओनली 10% ऑफ एनर्जी ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल कैन बी कैप्चर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। दिस इज नोन एज 10% लॉ। अकॉर्डिंगली बच्चों यहाँ पे ना एक मैंने ये बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कितना कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी तरह से, जैसे कि प्रोड्यूसर्स में कितना कैलोरी एनर्जी है, किलो कैलोरी, मतलब वो तो आपको कोई भी यूनिट दे दे, जूल भी दे सकते हैं। हर्बीवोरस की कितनी है, कार्निवोरस की कितनी है, टॉप कंज्यूमर्स की कितनी है? आपने यहाँ देखो 10% लॉ के हिसाब से ये किया हुआ है। क्या ये मुश्किल है समझना? प्रोड्यूसर्स में अगर 2000 है, ठीक है, तो 2000 का 10% आप निकालेंगे तो 200 होगा, 200 का 10% आप निकालेंगे तो 20 होगा, 20 का आप 10% निकालेंगे तो 2 किलो कैलोरी। ये यूनिट डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में क्या देंगे, वो जूल भी दे सकते हैं।
10% ऑफ 2000 इज 200, 10% ऑफ 200 इज 20, 10% ऑफ 20 इज 2, लाइक दिस। अब क्वेश्चन पता है यहाँ से कैसे हम लोग पूछते हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने देखो 1 to 2, 3% दिया सोलर एनर्जी, ठीक है, इसके बीच की रेंज रहती है। मैंने आपको अभी बोला था 1 to 2%, ठीक है, तो आप 1 to 3% का एक कॉमन आप रख सकते हो कि कितना एनर्जी जो है प्लांट जो है इसको कन्वर्ट करता है। तो जितना भी एनर्जी रिसीव करता है उसका सिर्फ 1 से 3% ही। उसके बाद फिर हर्बीवोर स्टोर ऑनली 10% ऑफ दिस एनर्जी, तो अब नेक्स्ट इसके पास कितना आएगा? जो भी इसने प्लांट ने कन्वर्ट किया उसका 10% आएगा। फिर बाकी 90% क्या होगा? बाकी जो रिमेनिंग 90% इज यूज बाय देम इन लाइफ। तो सिर्फ 10% ऑफ दिस एनर्जी हर्बीवोरस कैन स्टोर, वो सिर्फ 10% ही लेंगे, बाकी 90% यूज कर देंगे। मतलब आप समझो कि नेक्स्ट में कितना जाएगा? सिर्फ 10%, क्योंकि बाकी तो उन्होंने यूज कर दिया। इन दिस वे ओनली 10% ऑफ ट्रॉफिक लेवल ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इज बींग ट्रांसफर्ड अप टू टॉप कंज्यूमर्स। तो सिर्फ लास्ट तक आप देखते चले जाओ तो सिर्फ 10% ही आएगा। एक बार फिर से देखो यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन देखो, मैंने बोला ना कि क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन कैसा पूछते हैं? दैट इफ द एनर्जी प्रेजेंट एट प्रोड्यूसर लेवल इज 2000 किलो कैलोरी, ध्यान से सुनना, इफ द एनर्जी प्रेजेंट एट प्रोड्यूसर लेवल इज 2000 किलो कैलोरी, देन वॉट विल बी द एनर्जी प्रेजेंट एट टॉप टॉप कंज्यूमर्स। आपको अगर मैं ये पूरा हटा दूं, मैं अगर ऐसे पूछूं आपसे दैट अगर ट्रॉफिक लेवल 1 पे यानी कि प्रोड्यूसर्स में 2000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो ट्रॉफिक लेवल 4 का पूछ दूं मैं आपसे, 3 का पूछ दूं मैं आपसे, 2 का पूछ दूं, किसी का भी आप बता लोगे? बहुत आसान है ना? तो अगर मैंने ट्रॉफिक लेवल 1 का, मैंने प्रोड्यूसर्स यहाँ देखो मैंने पूछा है सिर्फ 2000, और ये ट्रॉफिक लेवल 1 हुआ, हर्बीवोरस ट्रॉफिक लेवल 2 हुआ, कार्निवोरस ट्रॉफिक लेवल 3 हुआ, और उसके बाद फिर ट्रॉफिक लेवल 4 हो गया, टॉप कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। तो T4 में मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने 2000 इसको चलो हाइड कर दिया, T4 में मैंने आपसे पूछा कि कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यस मैम, 2000 का 10% हम निकालते चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, T1, T2, T3, T4। तो T4 में आप निकालोगे तो आपका कितना आएगा? 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज मेरे को आपको ये फ्लो ऑफ एनर्जी का एक छोटा सा वीडियो मेरे को आपको आपको लोग के लिए बनाना था, और इसके नोट्स को प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बहुत ध्यान से, क्योंकि वर्मा सर क्वेश्चन इसमें से काफी कुछ आता है ऑब्जेक्टिव। अभी CBSE हमारा नया पैटर्न जो आ रहा है बच्चों, उस पर मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव को MR शीट पर एक भी गलती ना करके आए, ठीक है। थैंक यू क्लास।